हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ और यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी का एस आर कांतवा जी का बुक देखेंगे और यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है इससे पहले अपलोड कर दिया जा चुका है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 91 है। एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेच फील्ड विदाउट काजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट्स एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट अकर ड्यू टू प्रेजेंस इन। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, GSH एंजाइम। अब 92 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो हर्बिसाइड? तो माइक्रो हर्बिसाइड के रूप में सी वाला सही है, कॉलिगो। अब अगला 93 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी? है तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया क्रॉप रोटेशन कौन सा होता है? फसल चक्र, सोयाबीन, फिर आता है वीट आता है, फिर ग्रीन ग्राम आता है। अब अगला देखते हैं। तो 94 में है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विथ दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप्स सोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है ये वाला है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब अगला देखते हैं। नाइन्टी फाइव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। 96 है। द कैपेसिटी ऑफ ए सॉयल टू रेजिस्ट एप्रिकेबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, तो उसको बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। बी वाला सही है। अब 97 है। मैकेनिकल एनालिसिस आप सॉयल मेक यूज ऑफ, तो स्टोक लॉ का प्रयोग किया जाता है। बी वाला सही है। 98 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर है 98 का बी वाला है, इसकी प्रो प्लांटिंग। 99 है। ह्यूमिक एसिड इज ए फंक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज? तो इसका राइट आंसर है सॉल्युबल इन एल्काइली एंड इनसॉल्युबल इन एसिड। अब अगला है, 100वां है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाई अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैटिक ऑफ ए सॉयल क्ले विदाउट
distributing or changing the crystal structure of the mineral is termed as. तो इसका राइट आंसर है सावे का सी वाला है आइसोमोर्फिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बीइंग यूज इन ए कॉम्बिनेशन सीड ट्रीटमेंट। तो 101 का है सी वाला है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। अब अगला देखते हैं 102 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट। तो इसमें है बी वाला सही है येलो स्मॉल स्फेरिकल टू ओवल रिप्यूटेड रेड आर्डियो पुस्टेल्स इन रो ऑफ लीफ। अब 103 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स एंड वैराइटीज एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसका डी वाला है ग्रीन ग्राम में जो है उपास 120 नहीं है और यही ये है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। अब 104 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन वीट। तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस बी वाला सही है। 105 में है द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इनटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट। तो इसका डी वाला सही है पोटेशियम। 106 है द प्लेट्यू विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कॉन्टिन्यूजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज। तो सफिशिएंसी रेंज। 107वां है द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉयल एग्रीगेटेड फॉर्मेशन इज। तो इसमें पॉलीसेक्राइड्स। 108वां है टेट्राजोलिन टेस्ट इज यूज्ड डिटरमाइंड। टेट्राजोलिन टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो सीड वायबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 109 है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांट। तो 100 ग्राम। अब 110वां है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथबीन इन इंडिया इज। तो मोथबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है राजस्थान। 110वें का ए वाला सही है। 111वां है द सीड रेट ऑफ सेसेमम। सेसेमम का सीड रेट कितना होता है 3 से 4 केजी। 112 है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट। तो मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है कौन सा स्टेट तो राजस्थान है। अब 113वां है द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नाउ है। तो मस्टर्ड को के फ्रूट को क्या बुलाते हैं तो सिलकुआ बुलाते हैं। अब अगला देखते हैं 114 में है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉयल
टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी। 115 है, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय अर्नॉन्ट एंड सॉल्यूट ने दिया था, बी वाला सही है। पोटैटो इज ए, पोटैटो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, जमीन के अंदर वाला होता है, ये तना के रूप में होता है, भूमि के तना। 117 है, द मस्टर्ड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अंडुलेटिंग इज, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। 118 है, द डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ बाजरा इज, तो 102 सेंटीमीटर होता है गहराई में। अब १९० है, विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉयल एसिडिटी, तो लाइम का प्रयोग किया जाता है सॉयल एसिडिटी को दूर करने के लिए, लाइम मतलब चूना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोविंग ए कैच क्रॉप इज टू गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, ये होता है, अब डी वाला सही है। अब 121 है, बाई यूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957, तो इसमें 1.5% होता है, बी वाला सही है। बॉन्ड फार्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो रिगेल या बॉन्ड्स, बी वाला सही है। अब 123 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज, तो इसमें कोहेंसेन आता है, सी वाला सही है। अब 124 है, द अपर लिमिट ऑफ सॉयल ऑफ द सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो 1/3 बार होता है फील्ड कैपेसिटी का, फील्ड कैपेसिटी होता है और जिसका मृदा पृष्ठ तनाव कितना होता है 1/3 बार होता है, बी वाला सही है। अब 125 आता है, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग परकोलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम ए कॉलम ऑफ सॉयल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नाउ एस, तो लाइसीमीटर होता है, डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 126 में है, एक कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इज ओपन कॉन्ड्यूट इज नाउ एस, तो 126 का है, पार्सल फिल्म, बी वाला सही है। 127 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नाउ एस, तो पाइजोमीटर होता है, सी वाला। 128 है, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज का सीड रेट कितना होता है, तो 20-25 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। 129 में है, बॉटनिकल नेम ऑफ रागी इज, तो इल्यूसिन कोरा कैना, ये वाला सही है।
अब अगला है 130, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम इज, तो इसमें पोर्ट बोरर है ये। 131वां है, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर, मतलब मूंगफली में जो है ऑयल और प्रोटीन कितना होता है, तो 45% जो होता है ऑयल और 26% प्रोटीन होता है। अब अगला है 132 में है, राइजिंग ऑफ क्रॉप विथ द लेटेस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो मिनिमम टिलेज होता है, बी वाला सही है। 133 में है, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, कौन सा फर्टिलाइजर है जिस पर इंडिया डिपेंड है इम्पोर्ट करने के लिए, तो पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है। 134वां है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम द ग्रोथ रेट कितना होता है, 4% से अधिक होता है। विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के लिए लीडिंग स्टेट कौन सा होता है, तो प्रोडक्शन में गुजरात, डी वाला सही है। अब 135 हो गया, 136, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग, तो इसमें सब है, ऑल ऑफ द वेब, क्रॉप्ड एरिया में भी होता है, सॉयल कैरेक्टर्स में भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर में भी होता है, रिमोट सेंसिंग हेल्प स्टडी के लिए। अब 137 है, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ, तो बोरान का होता है। 138वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, तो इसका ए वाला है सी, मतलब कार्बन। 139 है, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नाउ एज, तो ईपीजीएल होता है, ईपीजीएल प्रकार का इसमें जर्मिनेशन पाया जाता है। 140 है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, तो राइजोबियम जपोनिकम होता है, सी वाला सही है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, राइजोबियम जपोनिकम। 141 है, सेसेमम बिलोंग टू द फैमिली, सेसेमम कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो पीडेलिएसी, डी वाला सही है। अब 142 है, फ्लू क्लोरो रेलिन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एस, तो इसका सी वाला है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है। अब 143 है, टॉपिंग ऑफ सफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल, तो बी में है, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, 143 का बी वाला सही है। अब अगला है 143 के बाद 144, डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये वाला सही है। अब 145 है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हेक्टेयर
फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड एज, तो 50,000 से 80,000 तक प्लांट पॉपुलेशन होता है। सी वाला सही है। अब 146 है, द इंसेक्ट बॉल वर्म इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो बॉल वर्म किस में लगता है, तो कॉटन में लगता है। सी वाला सही है। 147 है, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस बाय, तो PMA द्वारा। डी वाला सही है। अब 148 है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेज में जो होता है क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो टेसलिंग स्टेज होता है। बी वाला सही है। 149 है, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज, तो साइनर्जेटिक होता है। बी वाला सही है, साइनर्जेटिक। अब अगला 150 में है, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट ब्लैक पीपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, तो उसको मल्टी टिस्टोराइड क्रॉपिंग कहलाता है। अब अगला है 151 में है, स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, तो सी वाला है, एग्रो मेटोरोलॉजी। सी वाला सही है इसमें। अब अगला है, बोटेनिकल नेम ऑफ सीवान ग्रासेस इन, तो ए वाला सही है, लेस्यूरस सिंडिकस। अब 153 है, RMO40 इज ए वैरायटी ऑफ, तो किसका, मोथ बीन का है। अब 154 है, एमोंगेस्ट ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, तो इसमें आता है ग्राउंड नट केक होता है। सी वाला सही है। अब 155 है, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने दिया था। बी वाला सही है। अब अगला है, अब 156 में है, मैक्सिमम रेसिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विथ द कॉन्टीन्यूअस सॉयल एप्लीकेशन ऑफ, तो इसमें आता है अमोनियम सल्फेट आता है। सी वाला सही है। 157 है, द क्वांटिटी ऑफ SSP 16% फास्फोरस होता है जिसमें, और उसके बाद P2O5 होता है, रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू 1 हेक्टेयर ऑफ राइस फील्ड एट ए डोज ऑफ 60 kg होता है P2O5 हेक्टेयर इज, तो 150 kg। अब 158 में है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑन सीवेज स्लूडेज एमंडेड सॉयल्स इज, तो इसमें कैडमियम आता है। 158 का डी। तो 161 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट्स,
तो इसमें आता है बी वाला सही है, कैल्शियम। अब 160 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो इसमें तो ऑक्सिन आता है। 161 है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफ्टन लीड टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो इसमें आता है जिंक एंड कॉपर। अब अगला वाला है 162 में है, इफ ए प्लांट सो एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द ऑर्डर लीव्स एंड लेट दिस रीच द यंगर लीव्स द सिम्टम्स इज ड्यू टू लैक ऑफ, तो इसमें था मैग्नीशियम आता है, ए वाला सही है। अब 163 आता है, फेनी मर्क्यूरिक एसिटेड PMA इज ए केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू, तो इसमें सी वाला सही है, रिड्यूस जो है ट्रांसपायरेशन। अब 164 है, वाटर रिक्वायर इंक्लूड द लॉसेस ड्यू टू, तो इसका सी वाला है, कंजप्टिव यूज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस एंड अदर इकोनॉमिकली अनएवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर, तो सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 165 में है, इफ वन ए 20 acre फार्म क्रॉप आर राइज्ड ऑन 15 acre इन रावी 15 acre इन खरीफ एंड 20 acre इन जायद इन ए ईयर व्हाट शैल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो 250% होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो 166 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें राइस का जो था नोरिंटन डी वाला राइट आंसर है। अब 167 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज, तो इसमें ए वाला है, डाउनी मिडूल ऑफ मस्टर्ड। अब 168 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो राइस स्टेम बोरर का जो था ब्लैक ईयर से है। अब अगला है 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाई एरियोफिड मिलेट, तो इसमें आता है स्टेरिलिटी मोजैक। अब 170 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री ऑफ इरेडिकेट प्रिकली पियर ऑफ ट्विना डी लेनाई वीड, तो इसका जो है बी वाला सही है, तो इसमें बी वाला है डैक्टिलो पियस टोमेंटोसिस। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है 171, तो 171 में है, पैराथीनियम हाइस्ट्रोफोरस जिसको कांग्रेस घास कहते हैं कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जाइगोग्रामा बाई क्लोराटा के द्वारा, सी वाला सही है। अब 172 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बिगिंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो इसमें ट्राइकोडर्मा
विरिडी आता है, सी वाला सही है। अब 173 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्राइफ्ट। तो इसका जो है 173 का, रुकिए 2 मिनट, बी वाला सही है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, बी वाला सही है। 174 है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वाइडर देन 20-30 पॉइंट रेशियो 1 लीड टू ऑफ सॉयल नाइट्रोजन। तो इसमें इमोबिलाइजेशन आता है, डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 175 में है, फॉर शुगर केन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन डेज आफ्टर प्लांटिंग फॉर बेटर शुगर कंटेंट इन जूसेस। तो इसका सी वाला आंसर सही है, 60। अब 176 पे देखते हैं, 176 में है, पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40-45 डे आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप टू। तो इसका बी वाला सही है, प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, बी वाला इसमें राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं, 177 का, इन फंक्शनल एलियोपैथी। तो इसमें आता है, ए प्रिकर्सर इज रिलीज विच इज कॉन्वर्टेड इंटू एक्टिव सबस्टेंस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका बी वाला सही है। अब 178 है, वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज, तो कलेक्टिंग ऑफ एक्सेसिव रन ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन पॉन्ड्स एंड यूटिलाइजिंग इट लेटर फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 179 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्राम। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, प्लगिंग द एपिकल बड टू प्रमोट ब्रांचेस। 180 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप। तो इसका राइट आंसर जो है तोरिया है, सी वाला सही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में आएंगे। इस वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।